हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपने यूट्यूब चैनल और उसकी वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम को कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं तो आपको ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम को आप कैसे चेक करें। और मैंने कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम के ऊपर डिटेल में वीडियो बना रखी है कि ये क्या होता है, किन कारणों से आपके चैनल के ऊपर आता है और इसको दूर करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, वो भी मैंने उसमें डिटेल में बताया हुआ है। अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों में दे दूंगा। आप वहाँ से ईजिली जाके ये सीख सकते हैं कि कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम ये सब क्या होता है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। आप ये अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। उसमें आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और उसे डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट कर लेना है और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो मैंने अपने सिस्टम में क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हुआ है। यहाँ पे हमें टाइप करना है www.youtube.com, उसके बाद हमें यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसमें हमें अपने जिस भी जीमेल आईडी है जो भी हमारी, उससे लॉगिन कर लेना है अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। मैंने इसमें लॉगिन किया हुआ है तो इस पे राइट कॉर्नर में अपने आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से यूअर चैनल के अंदर जाएंगे। उसके बाद आपको कस्टमाइज चैनल के अंदर जाना है। कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करते ही ये स्क्रीन हमारे सामने ओपन हो जाती है। ये है आपका यूट्यूब स्टूडियो का डैशबोर्ड, ये आप देख सकते हैं। इसमें आपको लेफ्ट साइड में काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे होंगे, डैशबोर्ड, कंटेंट, प्लेलिस्ट। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक और क्लेम को आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे नीचे आपको ये सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जर्नल, चैनल, अपलोड, डिफ़ॉल्ट से काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। इसमें आपको ये सेकेंड जो ऑप्शन है चैनल के ऊपर क्लिक करना है और इसमें ये तीन ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। इसमें आपको फीचर एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, डिफ़ॉल्ट फीचर्स और फीचर्स डेट रिक्वायर फ़ोन वेरिफिकेशन। उसमें आपको डिफ़ॉल्ट फीचर्स के सामने ये इनेबल्ड लिखा हुआ है और इस पर ये जो एरो है इसके ऊपर क्लिक करना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको शो कर रहा है कि चैनल इज़ फ्री ऑफ एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स, मतलब इसमें अभी तक कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम नहीं आया है। अगर आपके चैनल पे कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक आती है तो वो आपको यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने चैनल के ऊपर भी चेक कर सकते हैं। और चैनल के ऊपर एक और तरीका है चेक करने का, इसे यहाँ से क्लोज कर देते हैं, कि आपके यहाँ पर जो डैशबोर्ड है यहाँ पर नोटिफिकेशन का एक बैनर आ जाता है। जैसे आपका मोनेटाइज के टाइम आता है, जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है तो आप अपनी एड्स को इनेबल कर लें। उसी तरीके से जब कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आपके चैनल के ऊपर आती है तो आपके चैनल पे एक नोटिफिकेशन आ जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी यूट्यूब वीडियोस में, आप वीडियोस में कैसे चेक करेंगे कि कॉपीराइट स्ट्राइक आई है या नहीं या किस वीडियो में आई है। तो इसमें आपको ये कंटेंट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी। उसके बाद आपको ये फ़िल्टर का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आपके सामने शो हो रहे हैं। इसमें आपको कॉपीराइट क्लेम्स के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तक यहाँ पे कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं है। इस तरीके से आप अपनी वीडियो में फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पे कॉपीराइट स्ट्राइक है या नहीं, किस वीडियो में है या नहीं, वो यहाँ से आप इजीली चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे कॉपीराइट का एक अलग से ऑप्शन भी दिया हुआ है चेक करने के लिए, ये आपके लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। आप यहाँ पे कॉपीराइट स्पेस के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैचेस, रिमूवल रिक्वेस्ट, मैसेजेस, आर्चिव, ये सारे ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे भी नाइस वर्क है, यू आर ऑल। तो अभी तक हमें इस चैनल पे कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम नहीं मिला है। इस तरीके से आप अपने यूट्यूब चैनल और उसकी वीडियोस पे कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको पता लग गया होगा कि आप कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम को कैसे चेक कर सकते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी वीडियो में अपना ओरिजिनल कंटेंट ही डालें, कहीं से भी कॉपी करके ना डालें, ताकि आप इस प्रॉब्लम से दूर रहें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।